हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। मंचूरियन जैसे बनता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये काफी आसानी से भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। तो एक बार आप मेरी विधि से बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको ब्रेड मंचूरियन बना के दिखाती हूँ। मैं ब्रेड मंचूरियन लेकर आई हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ तोड़ करके। इसका महीन इसका तैयार कर लेना, सूखा तैयार करना, महीन कर लेना इसको। देखिए ब्रेड का मेरा इतना महीन तैयार कर लिए पाउडर इसका। अब इसको एक बॉल में डाल दे रही हूँ। सब्जी में मैं ये बीन्स है जिसको देखिए छोटे टुकड़े में कट की हूँ, और ये गाजर है इसको मैं ग्रेट कर ली हूँ। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। ये लहसुन आदि और हरी मिर्च का को चॉप कर ली हूँ, एक साथ मिक्स कर ली हूँ, इसको भी डाल दे रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार। दो चम्मच टमाटर सॉस, एक कॉर्नफ्लोर है ये दो चम्मच डालेंगे छोटे चम्मच से, इतना मैं रख ले रही हूँ, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब सबको मिक्स कर लेना है। देखिए मैं इसको मिक्स की हूँ, मेरा थोड़ा गीला लग रहा है तो मैं ब्रेड का जो ये पाउडर बनाई इसको और भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसको बिना पानी दिए मिक्स करना है। देखिए अब ये मेरा गोल गोल बनने लगा, देखिए इस तरह से बनने लगा। देखिए मैं चार ब्रेड का ये चूरा बनाई थी, इतना मेरा बच गया है, और ये देखिए गोल गोल बनने लगा। अब इसको मैं ऐसे गोल गोल बना तैयार कर ले रही हूँ। ये बनाना भी बहुत आसान हो गया है, देखिए इस तरह से गोल गोल बना के रख ले। अब ब्रेड का तो नेचर होता है पानी सोख लेता है, और जो भी सब्जी से पानी निकला है सबको अच्छे से सोख ले रहा है। देखिए मेरा मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो गया है, और देखिए इसमें सारा सब्जी दिख रहा है। और अगर यही मैदा देखिए बनाते तो मैदा उतना पानी इसका नहीं सूखेगा, तो उसमें ज़्यादा मैदा पड़ता है। इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, ये ज़्यादा आसानी से भी बनता है और ब्रेड का मात्रा भी बहुत कम लगता है। देखिए मेरा रिफाइंड गर्म हो गया है, अब मैं सारे बॉल्स को डाल रही हूँ। अलग हटा हटा के थोड़ा डालना है। इस तरह का छोटा चम्मच ले ले, उसे इसे पलट ले, आसानी से पलट जाता है ये। देखिए मेरे मंचूरियन बहुत अच्छे से कुरकुरा हो गया। देखिए इसको एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और रिफाइन सारा इसका निकल जाएगा अच्छे से। इस तरह से इसको पूरा झाड़ लें। इसमें रिफाइन निकाल ली हूँ, और उसी बर्तन में मैं थोड़ा सा दो चम्मच रिफाइन रखी हूँ, लहसुन आदि और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। देखें मेरा लहसुन मिर्च आदि सब गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। अब इसमें प्याज डाल रही हूँ, फ्लेम को हाई ही रखना है। प्याज को बस एक मिनट भूनना था, ज़्यादा देर नहीं। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, इन दोनों को भूनना अच्छे से नहीं, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कच्चापन खत्म करना है। बस एक मिनट इसको भूनूंगी, बस ज़्यादा नहीं। मैं अलग से थोड़ा ये मिर्च भी डाल रही हूँ, ये तीखा अच्छा लगता है थोड़ा, ज़्यादा भूनना नहीं। बस हो गया मेरा प्याज। ये दो चम्मच में टमाटर सॉस डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरा मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें जो
कॉर्नफ्लोर में बचा कर रखे थे, इसमें पानी में घोल ली हूँ, इसमें डाल दे रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, मैं 2 चम्मच पानी और डाल रही हूँ, बहुत गाढ़ा लग रहा है। एक चम्मच मैं ये विनेगर डाल रही हूँ, व्हाइट विनेगर। मैं मधु ऐड कर रही हूँ इसके जगह में, ये ऑप्शनल है, इसके जगह में आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मधु से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अब मेरा ग्रेवी तैयार हो गया अच्छे से, अब इसमें मंचूरियन ऐड कर दी हूँ, इसको मिक्स कर ले रहा है। देखिए मेरा मंचूरियन बनकर तैयार हो गया, अब इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा ब्रेड मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है और काफी स्वादिष्ट लगता है और ये फ्लफी भी काफी होता है। देखिए जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इसको इस तरह से दबाइए, देखिए वो मंचूरियन में इस तरह से दबाव आने से उन्हें ये वो टूट जाएगा, ये दबता है, इसलिए इस तरह से बना के देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इसको ऐसे दबाइए, देखो बना के जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा।